मैनपुरी बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए गौरव नंदन लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी लोकसभा सीट के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी कभी गढ़ हुआ करता था। 1992 से समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट पर लगातार कब्जा कर रही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार चल रही है और ऐसा नहीं होगा। अगर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बना तो पूरी दम से मैनपुरी सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। गौरव नंद जी, आप पहले बहुत अच्छी फाइट की, आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा, बीएसपी में थे, आप समाज के नेता उभर कर बहुत अच्छे हैं, युवा हैं, और आज आपने एक आवेदन दिया है, क्या किस तरीके की रणनीति बना रखी है कि लोकसभा सीट के अगर आपको पार्टी बनाती है किस तरह चुनाव लड़ा जी? सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी पूरी देश में आबादी 3.5 से 4% है, और जब से हम सक्रिय राजनीति में आए और लोगों को जोड़ना शुरू किया, और जैसे ही हमने देखा कि जो हमारी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से हर वर्ग को उन्होंने अपने साथ लिया है, उनका सम्मान लिया, उनके सबके विकास, सबके साथ की बात की है, उसी को देखते हुए पूरे प्रदेश ने हमसे मांगा है कि आप आवेदन करिए, लोकसभा के लिए खड़े होइए। पूरा प्रदेश का समाज, पूरे प्रदेश का अति पिछड़े वर्ग का समाज हमारे साथ है और वो जोर शोर से कह रहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है कि हमको ही भागीदारी मिलनी चाहिए, उन्होंने बोला है कि आप आवेदन कीजिए। तो आज हमने जाके माननीय जिलाधिकारी के पास अपना मैनपुरी लोकसभा से अपना आवेदन किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी शीर्ष नेता भाजपा का डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और मैनपुरी में नया इतिहास देखा जाएगा, भाजपा यहाँ से जीतेगा। समाजवादी पार्टी की जो डिंपल यादव जी हैं और लगातार कई वर्षों से इस सीट पर कब्जा है, क्या किस तरीके से आप उनके सामने फाइट करेंगे? देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है या आपके जो आंकड़ों का सवाल है कि अभी तक सपा यहाँ से लोकसभा ज़्यादा जीतती रही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरीके से माननीय योगी जी ने यहाँ प्रदेश में सरकार चलाई है, तो अब लहर अलग है। ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और मैनपुरी में इतिहास लिखने जा रहा है कि हर वर्ग, चाहे वो आपका गरीब वर्ग हो, शोषित वंचित वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, कोई भी समाज हो, चाहे वो उद्योगपति है, वो खुल के सांस ले रहा है, खुल के अपना काम कर रहा है, हर वर्ग का सम्मान की बात हो रही है। तो इस बार मैनपुरी में इतिहास लिखा जाएगा और बिल्कुल टक्कर बढ़िया होगी और भाजपा यहाँ से लोकसभा जीत के आएगी मैनपुरी।